का जो टॉपिक है वो है कंसिस्टेंसी कैसे लाए अपने लाइफ में। हेलो जी, कामक से है, मैं मोहम्मद तौफीक आपका भाई एक नए वीडियो के साथ हाजिर है। तो आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही खास होने वाला है। आशा करते वीडियो अच्छा लगेगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और जिसको भी मेरा वीडियो पसंद नहीं आता वो मेरे वीडियो को छोड़ के जा सकता है, ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो कंसिस्टेंसी कैसे लाए अपने लाइफ में। तो कंसिस्टेंसी लाने का एक अचूक फॉर्मूला है जो मैंने अपने लाइफ में यूज़ किया है, और कंसिस्टेंसी लाने के लिए आप लोगों को करना कुछ नहीं है। देखो, अगर आप लोग पढ़ने के फील्ड में हो ना तो आप लोगों को करना कुछ नहीं है। जैसे बहुत से बंदे सोचते हैं कि हमें तो आज 10 घंटे पढ़ने हैं, शुरुआत में ही वो बच्चे सोच लेते हैं कि मुझे 10 घंटे पढ़ने हैं आज, पर ऐसा वो कर नहीं पाते। बाद में वो सोचते कि भाई मेरे से तो पढ़ाई ही नहीं होगा। तो भाई ऐसा है, जिस बच्चे को लगता है कि पढ़ाई नहीं होगा, पढ़ाई होगा भाई, ठीक है, लेकिन आप लोगों को कंसिस्टेंटली पढ़ने के लिए आप लोगों को शुरू दिन में ये नहीं सोचना होगा कि आज तो मैं 10 घंटे पढ़ लूँगा तो फिर अगला दिन भी 10 घंटा पढ़ लूँगा। तो ऐसा करना इम्पॉसिबल है। शुरू में आप लोग बस 1 घंटा पढ़ो, 10 घंटा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपने आप को छोटा छोटा टारगेट दो, सपने बड़े देखो, लेकिन टारगेट छोटा दो जिससे उस चीज़ का आपको आदत लग जाए और आप काम करते रहो। आप लोग छोटा छोटा आदत बनाओगे और वो अपने आप होता जाएगा। आपको फोर्स करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि भाई आज तो मुझे पढ़ना है, उस तरह से आपको सोचने का ज़रूरत। पढ़ने के अलावा किसी भी फील्ड में भाई कोई भी गोल बना रहे हो तो अपने आप को छोटा छोटा टारगेट दो और काम करते जाओ, जिससे वो आदत पे आ जाएगा और आप इजीली सक्सेस तक पहुंच सकते हो। यही है कंसिस्टेंट रहने का फॉर्मूला। और नहीं है बातें, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, नहीं लगे तो डिसलाइक कर देना। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। खुदा हाफिज़।